हेलो गाइस, आप देख रहे ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्स प्लान की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं प्लान लेकर आया हूँ जिसका साइज़ है 14x65। फ्रंट में इसका 14 फिट दिया, लंबाई इसकी 65 फिट रखी है, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग दिखेगी और फ्लैट की पूरी डिजाइनिंग दिखेगी। अब मैं आपको इसकी 3D पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो बढ़ते हैं अपने 3D प्लान की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता है। फ्रंट इसका 14 फिट दिया, लंबाई इसकी 65 फिट रखी हुई है, देख सकते हैं। कंप्लीट हटी यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनी हुई है। वेंटिलेशन कुछ इस तरीके जाल दिया हुआ है, वेंटिलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्लान में, देख सकते हैं आप। ग्राउंड फ्लोर में आपको कुछ इस तरीके से पार्किंग मिल जाती है। अगर आपका किसी अदर साइज का प्लॉट है तो हमारे चैनल पर आकर आप वीडियो पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप काफ़ी प्लान मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से अदर अदर साइज के, देख सकते हैं आप। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइक पार्किंग के कार पार्किंग के लिए यहाँ पे आपको रैंप दी हुई है। यहाँ पे आपके दो एंट्री गेट दिए हुए हैं, एक आपका 8 फिट का गेट लगा है, एक आपका 3 फिट का गेट लगा हुआ है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको जिस तरह की पार्किंग एरिया दिख जाता है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा एरिया दिया हुआ है पार्किंग के पर्पज से। इस पूरी पार्किंग का मैंने साइज रखा हुआ है 13x29, 13x29 इसका साइज दिया हुआ है, देख सकते हैं 13x29। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको सीढ़ियाँ दिखेंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको चैनल मिल जाता है, चैनल से हम एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके जीना दिख जाता है। जीना आपका 3 फिट का दिया हुआ है, कंप्लीट जीना आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है, आपका पैर रखने वाला 9 इंच का, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है, कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है और वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बैठक मिल जाती है कुछ इस तरीके से। इस बैठक का मैंने साइज दिया हुआ है 10x13, ये 10x13 का साइज दिया हुआ बैठक का। दीवार को हटा के मैं सारे साइज बता रहा हूँ आपको, 10x13 देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सा हॉल मिल जाता है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। इस हॉल का मैंने साइज दिया हुआ है 7x8, 7x8 का आपका हॉल दिया गया है, देख सकते हैं 7x8 हॉल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ओपन किचन मिल जाती है। किचन का मैंने साइज दिया 5x7, ये 5x7 की आपकी ओपन किचन दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड दिखती है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन यहाँ पे आप छोटा सा अनुसंधान दिया हुआ है, यहाँ पे आप एग्जास्ट भी लगा सकते हैं। पीछे यहाँ पे आप वेंटिलेशन सुविधाएं दी, 2 फिट का स्पेस दिया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपका रूम का भी वेंटिलेशन होता रहेगा, लैट्रिन बाथरूम का वेंटिलेशन होता रहेगा। इस लैट्रिन बाथरूम का मैंने साइज दिया हुआ है 3.5x9, 3.5x9 इसका साइज दिया हुआ है, देख सकते हैं 3.5x9। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है और वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके रूम मिल जाता है। रूम के लिए इस साइड से भी आपको वेंटिलेशन विंडो उपलब्ध कराई गई है, देख सकते हैं आप। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 9.5x11, ये 9.5x11 का आपका रूम दिया गया है, देख सकते हैं। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको 2 BHK हाउस प्लान कंप्लीट दिखता है, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं ऊपर के प्लान की, तो जीने से आपको ऊपर आना, ऊपर आने के बाद कुछ इस तरीके दिख जाता है। जीने से आपको जिस तरीके से ऊपर आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका तुरंत ऊपर जाने की कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है, पूरा आपका सेपरेट जीना बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके जाल दिया हुआ है, नीचे भी आपका उजाला बना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बैठक मिल जाती है 10x13 की, देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको हॉल मिल जाता है। हॉल का मैंने साइज दिया 7x8, इस 7x8 का हॉल दिया हुआ है। हॉल में आपका कुछ इस तरीके से ओपन आपको किचन दिया, किचन का मैंने साइज दिया 5x7, ये 5x7 की आपकी किचन बनी हुई है। पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कमांड दी है, जिसका मैंने साइज दिया 3.5x9, 3.5x9 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कमांड दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे आपको वेंटिलेशन कुछ इस तरीके 2 फिट का स्पेस दिया हुआ है, वेंटिलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको लैट्रिन बाथरूम में। इसके जस्ट अगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आपको रूम दिख जाएगा, जिसका मैंने साइज दिया 9.5x11, ये 9.5x11 का आपका रूम दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको 2 BHK का फ्लैट दिखता है पूरा कंप्लीट, देख सकते हैं सेपरेट आपका पूरा प्लान बना हुआ है। अब बात करते हैं इस साइड के प्लान की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेंगे तब भी आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके सबसे पहले बैठक मिल जाती है 10x13 की, ये 10x13 की आपकी बैठक दी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको हॉल मिल जाता है। हॉल का साइज मैंने दिया हुआ है 7x8, 7x8 का आपका हॉल बना हुआ है। हॉल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको किचन मिल जाती है, किचन का मैंने साइज दिया है 5x7, 5x7 की आपको किचन दी हुई है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम दिखती है, कॉमन आपकी लैट्रिन बाथरूम बनी हुई है।
जिसका मैंने साइज दिया हुआ है 3.5 × 6.5, 3.5 × 6.5 की आपकी लेटर मार्क कमाइंड बनी हुई है। इसके जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटीरियर मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको मास्टर बेडरूम दिख जाता है रोड साइड से, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बालकनी में आने जाने के कुछ इस तरीके से इंटीरियर दिया और वेंटिलेशन विंडो भी उपलब्ध कराई गई है। देख सकते हैं आप इसमें आपको लेटर मार्क अटैच मिलती है जिसका मैंने साइज दिया हुआ है 3.5 × 6.5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट दिया हुआ है। देख सकते हैं 3.5 × 6.5 की आपकी लाइटिंग मात्रा अटैच मिलती है। इस रूम का मैंने साइज दिया 9.5 × 11, ये 9.5 × 11 का आपका रूम दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको कुछ इस तरीके से 2 BHK 2 फ्लैट दिख जाते हैं। देख सकते हैं आप पूरे आपके सेपरेट बने हुए हैं। अब बात करते हैं ऊपर के प्लान की, तो जीने से आपको ऊपर आने के बाद कुछ इस तरीके से दिख जाता है। जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद कुछ इस तरीके से ऊपर जाने के लिए जीना दिख जाता है। पूरा आपका सेम प्रोसेस यहाँ पे भी बना हुआ है जैसा कि आपको नीचे देखने को मिला था। इस साइड देख सकते हैं आपको 2 BHK के 1 फ्लैट दिखेगा, इस साइड आपको 2 BHK का 1 फ्लैट दिखेगा। यहाँ पे आपको एक कॉमन लैट्रिन बाथरूम दिखती है, आपको मास्टर बेडरूम भी मिल जाता है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कंप्लीट अटी आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। देख सकते हैं आप फ्रंट एलिवेशन आपका कुछ इस तरीके दिया हुआ है, 14 फीट में काफ़ी बेस्ट एलिवेशन दिया हुआ है। देख सकते हैं आप नीचे आपकी कार पार्किंग दी हुई है, इसमें आपको टोटल आपको 5 फ्लैट दिखते हैं 2 BHK के कार पार्किंग के साथ में। यहाँ पे आराम से 2 कार खड़ी कर सकते हैं, काफ़ी बाइकें खड़ी कर सकते हैं आप। रेंट के पर्पज़ से पूरा प्लान बना हुआ है 14/65 में। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखें, धन्यवाद।